हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के फिल्म इंडस्ट्री मौजूद है और सभी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक मिसाल है, जिसमें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री विश्व स्तर पर काफ़ी नाम कमाई है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री कौन है, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री कौन है, और दोनों में तुलना करके बताएंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेत्री सबसे ज़्यादा अमीर है या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेत्री सबसे ज्यादा अमीर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री के बारे में, उसके बाद बात करेंगे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री के बारे में। तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री के इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है आलिया भट्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है आलिया भट्ट। तो बता दो कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 100 करोड़ रुपए है। वही नंबर 9 पे आती है सोनम कपूर। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 9 पे आती है सोनम कपूर। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 105 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 105 करोड़ रुपए है। वही नंबर 8 पे आती है कंगना रनावत। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 8 पे आती है कंगना रनावत। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 120 करोड़ रुपए है। वही नंबर 7 पे आती है काजोल देवगन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 7 पे आती है काजोल देवगन। तो बता दूं कि काजोल देवगन का टोटल नेटवर्क तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। वही नंबर 6 पे आती है अनुष्का शर्मा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 6 पे आती है अनुष्का शर्मा। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 210 करोड़ रुपए है। वही नंबर 5 पे आती है ऐश्वर्या राय बच्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 5 पे आती है ऐश्वर्या राय बच्चन। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 235 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 235 करोड़ रुपए है। वही नंबर 4 पे आती है कैटरीना कैफ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 4 पे आती है कैटरीना कैफ। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 250 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 250 करोड़ रुपए है। वही नंबर 3 पे आती है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 3 पे आती है प्रियंका चोपड़ा। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 275 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 275 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर 2 पे आती है करीना कपूर खान। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 2 पे आती है करीना कपूर खान। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 445 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 445 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर 1 पे आती है दीपिका पादुकोण। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 1 पे आती है दीपिका पादुकोण। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 460 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 460 करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री। अब बात करते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री के बारे में। तो बता दूं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री के इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है रश्मिका मंदाना। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 10 पे आती है रश्मिका मंदाना। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 60 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 60 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर 9 पे आती है श्रुति हसन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 9 पे आती है श्रुति हसन। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 65 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर 8 पे आती है राशि खन्ना। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 8 पे आती है राशि खन्ना। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 75 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 75 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर 7 पे आती है राहुल प्रीत सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 7 पे आती है राहुल प्रीत सिंह। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 120 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 120 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट का नंबर 6 पे आती है साई पल्लवी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 6 पे आती है साई पल्लवी। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 125 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 125 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर 5 पे आती है तमन्ना भाटिया। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर 5 पे आती है तमन्ना भाटिया। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 140 करोड़ रुपए है।
वही इस लिस्ट में नंबर चार पे आती है काजल अग्रवाल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर चार पे आती है काजल अग्रवाल। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 155 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 155 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर तीन पे आती है समानता अखिनेनी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर तीन पे आती है समानता अखिनेनी। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 155 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 155 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर दो पे आती है नयनतारा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर दो पे आती है नयनतारा। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 180 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 180 करोड़ रुपए है। वही इस लिस्ट में नंबर एक पे आती है अनुष्का शेट्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लिस्ट में नंबर एक पे आती है अनुष्का शेट्टी। तो बता दूं कि इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनका टोटल नेटवर्क तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। तो फ्रेंड्स, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के 10 सबसे अमीर अभिनेत्री में तुलना किया जाए तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेत्री सबसे ज़्यादा अमीर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।